मुझे बंद कर दो यार। So welcome back to the channel everyone and a fresh day, एक नए दिन की शुरुआत नए ब्लॉग के साथ। तो आज का सीन कुछ ऐसा है कि एक कॉल सुबह सुबह मेरा सेटअप था वो मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। अभी कंप्लीट करके अभी निकलना है मेरे को मार्केट, क्योंकि अब जब सुबह उठ गया तो मम्मी रेडी थी अपनी काम के लिस्ट के साथ, तो चाय आके पीऊँगा, पहले मार्केट का काम कंप्लीट करता हूँ। तो सुबह सुबह एक अच्छे से शहर पर आपको भी लेके चलता हूँ, चलो मार्केट घूमते हैं। गया रास्ता पूरा सुबह सुबह खाली पड़ा है एकदम, मतलब अभी बज रहे हैं सुबह के 6 और लोग नहीं है। हाँ मार्केट में भीड़ होगी, अभी लोग होंगे मार्केट में। कत कर दीच बोलो, शुद्ध जल जाते थके बुझले सांस लागे ना। अब हमने यहाँ पे ले लिया है, अब दंगोल में रह के अगर आप मिठाई नहीं खाओ तो हो ही नहीं सकता। और यहाँ अरे यार मिठाई दुकान बंद है, दूसरे मिठाई दुकान पे जाना है बाजार वाले, चलो खरीदते हैं मिठाई अभी। ये कौन सा तरीका है सोने का तुम्हारा? चादर छोड़ो। फट जाएगा चादर। ये क्या हो रहा है? अरे निकलो चादर में से। ठीक है देखो उसी में मुंह पोछ रही है। हाँ निकलो निकलो, जा रहे हैं हम लोग, जा रहे हैं। चलो 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 चलो, टाटा टाटा, तुम रहो यहीं पर। ऐ चलो चलो गेट खोलो गेट खोलो, चलो 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 गेट खोलते आओ। चलो चलो बंद करो बंद करो गेट, हिल नहीं रही देखो, बहुत बदमाश है। चलो चलो, अरे कौन आया कौन आया? वही कुत्ता ना। हाँ ऐ हट 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 ऐ हट 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 बहू रानी बाहर निकली, हटा चादर। क्या हो रहा था ये चादर के साथ? ये रामदेव बाबा स्टाइल, बाबू की तरफ से रामदेव बाबा स्टाइल। ये क्या है, कल रात में से तुम इसका एकदम ऑपरेशन करके रख दियो। ये तुम्हारा आइटम है ना, तुम ही ऑपरेशन की ना कल रात में? ओह ओह ओह, रुको रुको इसको पहले ठीक करने दो, उसके बाद तुम खेलना इसके साथ। अब सुबह जल्दी उठने के बाद होता क्या है, दिन काफ़ी बड़ा लगने लगता है कि आज मेरे को बहुत ज़्यादा समय मिल रहा है, बहुत कुछ कर सकूंगा आज। तो वैसे भी आज 2-3 प्रोग्राम है मेरा, आज मेरे को मतलब अपने ससुर जी को लेकर निकलना है। नॉर्मली होता क्या है ना कि अभी जितना हो सके प्रिकॉशन लेना ज़रूरी है, तो ऑफिस जा रहे थे तो हम लोगों ने सजेस्ट किया कि अभी एक काम करो, कोशिश करो अवॉइड करने का, घर से अगर काम होता है तो घर से काम कर लो। बट कुछ कुछ ज़रूरी चीज़ें होती हैं जो आपको जिसको करने के लिए जाना पड़ता है, जैसे बैंक है और कुछ है उनका पर्सनल काम। तो मैं सोचा कि आज मैं खुद ही जाता हूँ उनको साथ में लेके, जितने भी बाहर के पेंडिंग काम है आज कम्प्लीट करवाता हूँ, सो दैट कल से वो घर पर रेस्ट कर पाएंगे और वर्क फ्रॉम होम करेंगे। तो
सिचुएशन अभी वैसे भी थोड़ा खराब है बाहर, तो देखता हूँ बाहर जाके। और अब ब्रेकफास्ट करें, ब्रेकफास्ट का भी टाइम हो गया है। तो आज का ब्रेकफास्ट जो है थोड़ा सा खास है मेरे लिए, क्योंकि मेरे को मिठाई बहुत पसंद है। तब अब कुछ बोल ही नहीं सकता कि मिठाई कितना पसंद। तो सुबह जब निकला था तो मिठाई देख के रहा नहीं गया। और क्या है ब्रेकफास्ट में देखो, अब ये है हमारा आज का ब्रेकफास्ट। गया था तो सारे लोगों के लिए लेके आ गए। हम हेल्दी हैं बट क्या ना, कंट्रोल नहीं होता है कभी कभी। तो इसके साथ एक हेल्दी आइटम भी है जो अभी मैं दिखाऊंगा वो क्या है। तो ये थोड़ा सा खाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, बिकॉज घर के सारे लोग हैं, सब थोड़ा सा टेस्ट करेंगे। और जलेबी पसंद है ये, अगर आप मिठाई पसंद करते हो और कोलकाता कभी भी आओ तो ज़रूर इसको ट्राई करना। कांचा गोला बोलते हैं इसको, तो कांचा गोला, जलेबी, बूंदिया, जिसको बूंदे यहाँ पे बोला जाता है, बूंदिया दही के साथ बहुत सही लगता है, खट्टा दही और बूंदिया, अगर ये ब्लॉग आप लोग सुबह देखोगे ना, नॉर्मली मेरे ब्लॉग 9 बजे तक लाइव हो जाता है, ये ब्लॉग देख के मुँह में पानी नहीं आया तो बोलना। जाओ यार खाने दो मेरे को, खाओ खाओ। अगर इस तरीके से मिठाई खाए ना, 2-3 महीने बाद ही एकदम इतना बड़ा मुंह हो जाएगा, इतना बड़ा पेट हो जाएगा। इतना कौन मिठाई खाता है, मुझे बंद कर दो यार। बंद कर सकता हूँ तो सचमुच बंद कर दो। बंद कर दो, खाओ खाओ, देखते हैं इतने कितना मिठाई खाते। प्लेट हमारा खाली हो गया और ये सारा खुशी खा गई। हाँ, तुम तो इतना अच्छे से खा रहे हो, मैं खा रही हूँ। ये है हेल्दी आइटम, अब क्या पता ये हेल्दी है या नहीं, मेरे को तो लगता है ये हेल्दी है। ये है शकरकंद रोस्टेड जीरा, जो हम लोग ऑलवेज यूज़ करते हैं किसी भी दही वही का शरबत जब बनता है, और थोड़ा सा काला नमक। और इसको अगर आप खाओ तो बहुत हेवी भी रहता है पेट में और टेस्ट भी काफ़ी अच्छा आता है। तो ये भी एक अच्छा ब्रेकफास्ट है, अगर सुबह कोई ट्राई करे तो इसको भी ट्राई कर सकते हैं। और गाल खुल जाएगा तुम्हारे, हम जीत गए, हम जीत गए। दो चार गोल लगे। ये देखो, जो चीज बताना चाह रहा हूँ समझना, इसमें होता है क्या नॉर्मली, जो लोग बाहर अभी निकल रहे हैं घूमने, जो लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं कोरोना की वजह से, उन लोग का नॉर्मली में माइंडसेट क्या होता है कि कोरोना वो जैसे गोबर नहीं होता, गोबर रास्ता में गोबर या टट्टी, और वो चलते हुए कैसे, ये उन लोग के दिमाग में यही है, ठीक है, कि कोरोना यहाँ होगा गिरा हुआ है। अच्छा हाँ, कोरोना है तो पार हो गए, पार हो गए, ये हो गया, बच गए कोरोना से, बच गए, अब कोरोना नहीं होगा, समझी मैगी, यही है उनके दिमाग में, नहीं फैक्ट है, मैगी नहीं समझ गई, उन लोग यही सोच के निकलता है कि कोरोना क्या है, कोरोना है टट्टी, और एक गजब होगा, और हम लोग हैं, अच्छा कोरोना ए कंफ्यूज्ड मैगी नॉइजेस निकल के पोतर के पे पोतर। इस बार वोट हमें दीजिए। गाल फुला रहे, गाल फुला रहे।
पिताजी का फोन नहीं है ना, तुम निकल जाते हो। पहले जब ये कोविड आया था शुरू में, तो उस वक्त एक मास्क लगाना भी लोगों को अजीब सा लगता था कि यार एक मास्क लगाना है, ये एक नया ट्रेंड भी आ गया है। ट्रेंड क्या, मजबूरी है लोगों की। इसके बाद इस बार वाले में तो अब दो मास्क लगाओ, ये फिर ऐसा एक टाइम आ जाएगा पूरा मंकी कैप पहन के निकलना होगा बाहर। यार मंकी कैप लगा के निकलो और ज़्यादा सेफ रहोगे। जिंदगी एकदम मैंने कह के ले लिया ये कोरोना वाला। खुश है बेचारा अपनी जिंदगी में, कोई आए कोई जाए। वाह, ये शैतान आज जो सुबह में मिठाई लेके आया था, ये मैडम पूरा एक गोटा मिठाई खा गई यार तुम। हाँ ये देखो, बाप रे बाप। और अब कोई हाथ लगाने जाएगा काटने को दौड़ेगी। पूरा एक रसगुल्ला निकाल के साफ ये रखा हुआ था, देखो ये वाला एक पूरा सल्टा दे। रवि नजर इस पे है। टाइम हो रहा है शाम के 6:30 और मैं करीब 5 बजे तक रिटर्न आ गया था। आके एक दो कॉल थे मेरे, वो कंप्लीट किया, कंप्लीट करके थोड़ा सा लेटा था अभी। और अचानक मैगी वहाँ बैठी थी मम्मी के साथ, और मम्मी टीवी देख रही थी और ये भी मैडम थी वहीं पे। अचानक देखा कि उठ के दौड़ के आ रही है इस रूम में। किसी को समझ में नहीं आया कि क्यों यहाँ पे। और मैं जब आके देखा तो ये तो आराम से एक मिठाई उठा के यहाँ पे सल्टा रही है। ये अचानक जो ये तुम गुनाह की हो, इस गुनाह का सजा इधर। ये क्यों हुआ? चलो बाहर चलो, बाहर चलो, आओ आओ आओ, बाहर आओ, बाहर आओ, चलो बाहर चलो, बाहर चलो। हमारे बेड का पर्टिकुलर ये वाला जो हिस्सा है, ये ऐसे यहाँ पे कर्व हो गया है। मतलब मैगी सोते सोते पूरा ये मैट्रेस यहाँ पे जो है वो पूरा कर्व हो गया है। ये जगह मतलब ये अपने नाम ही करवा के रखी है, रात को इसी जगह पे सोना। और अभी लिटरली खर्राटा सुनाई पड़ रहा है इसका, शायद इसमें कैमरे में समझ में नहीं आएगा उतना क्लियर। पूरा एकदम मस्त, एकदम गहरी नींद में है। अभी बज रहे रात के 11:30। मैं बैठा हूँ एडिट करने आज का ब्लॉग जो कल सुबह 9 बजे आएगा। और बस यही हंसता खेलता और एक दिन हमारा बीत गया। तो चलो इस ब्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड। नींद तो काफ़ी एकदम आँख जल रहा है मेरा आज। कल सुबह मिलते हैं एक नए दिन। और कल तो सैटरडे है तो कल ही बात कर। चलो बाय, गुड नाइट, टेक केयर। ब्लॉग यहाँ तक देख लिया हो तो प्लीज़ 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 लाइक कर देना यार, मोटिवेट करो।